टाटा आईपीएल 2022 का इकतीसवां मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया जहां पर लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया बेंगलो की तरफ से पारी की शुरुआत करने अनुज रावत और फैफ डुपलेशी आए अनुज रावत कुछ बड़ा स्कोर ना कर सकें और चमीरा की पहली ओवर की पांचवीं गेंद पर केल राहुल के एक शानदार कैच के चलते अनुज रावत चार रन पर ही पवेलियन लौट गए तीसरी नंबर आरसीबी की तरफ से विराट कोहली आए पर विराट कोहली ने खाता भी नहीं खोला और चमीरा की पहली ओवर की अंतम गेंद को बैकवर्ड प्वाइंट पर दीपक हुड्डा को दे बैठे विराट कोहली शून्य रन पर पवेलियन लौट गए चौथे नंबर पर आरसीबी के ग्लेन मैक्सवेल आए पावरप्ले में दो विकेट खोने के बाद भी ग्लेन मैक्सवेल पारी की शुरुआत से विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे चमीरा की दूसरे ओवर तीन चौके और एक छक्के के साथ ग्लेन मैक्सवेल 19 रन बनाए ग्लेन मैक्सवेल मैदान में ज्यादा देर टीक सके नहीं और कुणाल पांड्या की गेंद स्विच हीट करने के चक्कर जेसन होल्ड के हाथों में गेंद चली गई और ग्लेन मैक्सवेल 11 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए पांचवे नंबर आरसीबी के सुयाश सुयाश प्रभु देसाई आए प्रभु देसाई भी बड़ा स्कोर नहीं कर सके और जेसन होल्डर के आठवें ओवर में कुणाल पांड्या के एक बेहतरीन कैच के चलते सुयाश प्रभु देसाई नौ गेंदों में दस रन बनाकर चलते बने छठे नंबर पर आरसीबी के ऑलराउंडर शाहबाज अहमद आए डुप्लेसी और शाहबाज ने मिलकर आरसीबी की पारी को संभाला पंद्रह ओवर तक दोनों ने एक भी विकेट नहीं खोया और दोनों के बीच सत्तर रनों की साझेदारी हो चुकी थी इस बीच फैफ डुप्लेसिस ने अपनी फिफ्टी पूरी कर ली थी पर सोलह ओवर की दूसरी गेंद पर के कर राहुल के शानदार थ्रो के चलते शाहबाज अहमद रन आउट हो गए शाहबाज अहमद ग्यारह गेंदों में पच्चीस रन बनाकर पवेलियन चलते बने सातवें नंबर पर इस साल अपने बेस्ट फॉर्म में रहे दिनेश कार्तिक आयर पर एक छोर पर डुप्लेषी अभी भी सेट खड़े थे पारी की आखिरी ओवर लेकर आए जेसन होल्डर जेसन होल्डर की कसी हुई गेंदबाज़ी के सामने दिनेश कार्तिक और सेट खड़े बल्लेबाज़ फैफ़ भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाए डुप्लेसी ओवर की पांचवी गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में बाउंड्री पर खड़े मार्कस टोइनिस के हाथों में कैच दे बैठे मार्कस ने भी शानदार कैच पकड़ा और डुप्लेसी के चौंसठ गेंदों छियानवे रनों की शानदार पारी का अंत हुआ फेफ डुपलेशी ने पारी में ग्यारह चौके और दो छक्के जड़े आठवें नंबर पर हर्ष पटेल आए जेसन होल्डर ने हर्ष पटेल का आखिरी गेंद को डॉट खिलाकर आरसीबी की पारी का अंत किया आरसीबी ने 20 ओवर में छह विकेट खोकर एक रन बनाए लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक आए क्विंटन डिकॉक लखनऊ को ज्यादा देर तक साथ नहीं देख पाए और तीसरे ओवर में जोश हेजलवुड एक अद्भुत डिलीवरी पर मैक्सवेल को कैच दे दिया क्विंटन डी कॉक पांच गेंदों में तीन रन बनाकर पवेलियन लौट गए तीसरे नंबर पर लखनऊ के मनीष पांडे आए मनीष पांडे भी आठ गेंदों में छह रन बनाकर जोश हेजलवुड की गेंद को हर्ष पटेल के हाथों में दे दिया मनीष पांडे आठ गेंद में छह रन पर आउट हुए चौथे नंबर पर लखनऊ के ऑलराउंडर कुणाल पांड्या आए कुणाल पांड्या बेहतरीन शॉट खेल रहे थे कि तभी आठवें ओवर में कप्तान के राहुल ने उनका साथ छोड़ दिया और हर्ष पटेल की आठवें ओवर की अंतिम गेंद पर राहुल दिनेश कार्तिक को कैच थमा दिया केएल राहुल 24 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे पांचवें नंबर पर दीपक हुड्डा आए दीपक हुड्डा लखनऊ को ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाए तेरह ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर सुयश प्रभुदेसाई को कैच थमा दिया दीपक हुडा तेरह गेंदों में चौदह रन बनाकर पवेलियन लौटे। छठे नंबर पर लखनऊ की तरफ से आयुष बदोनी आए के तभी कुणाल पांड्या भी मैक्सवेल की एक गेंद पर शाहबाज़ अहमद को कैच थमा दिया कुणाल पांड्या 28 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए सातवें नंबर पर लखनऊ के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस आए 17 ओवर में आए जोश हेजलवुड ने फिर से एक बार लखनऊ को झटका देते हुए आयुष बदोनी को विकेट के पीछे दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवाया आयुष तेरह गेंदों में तेरह रन बनाकर पवेलियन लौटे आठवें नंबर पर जेसन होल्डर आए दोनों ही खिलाड़ी लंबे लंबे-लंबे शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं पर 19 ओवर की दूसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस जोश हेजलवुड की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और मार्कस स्टोइनिस 15 गेंद में 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे नए नववें नंबर पर लखनऊ के दुश्मनता चमीरा आए उन्नीसवें ओवर में जोश हेजलवुड एक भी बाउंड्री नहीं दी आखिरी ओवर में बत्तीस रनों की जरूरत थी हर्ष पटेल के कसी हुई गेंदबाजी के सामने यह रन बनाना मुश्किल था जेसन होल्डर ने कोशिश पूरी की और दो छक्के पर जड़े पर अंत में जेसन होल्डर ओवर की पांचवीं गेंद पर मोहम्मद सिराज को कैच थमा बैठे जेसन होल्डर आठ गेंदों में सोलह रन बनाकर पवेलियन लौटे दसवें नंबर पर रवि बिश्नोई आए हर्ष पटेल ने अंतिम बॉल भी बैश्नोई को डॉट खिलाकर आरसीबी ने यह मैच 18 रनों से जीत लिया और पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान हासिल किया